हेलो एवरी बर्डी एंड दिस इज यो हो रेड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्पोर्ट्स सो गाइस एक बहुत बड़ी और शॉकिंग चीज़ फिर से होके आई है जो कि है नेपाली प्लेयर्स अभी क्या चल रहा था जो जो टूर्नामेंट अभी चल रहे थे चर्वर चेंज के बाद जितने भी हमारे नेपाली भाई और भाई लोग थे उन लोग दूसरी इंडियन आईडी से खेल रहे थे इंडियन सर्वर में वो टूर्नामेंट वीपीएन या फिर ऐसे ही यूज़ करके बट अभी एक चीज़ ये निकल के आ रही कि जितने भी प्लेयर्स थे जितने भी लोग थे ना जिन लोग इंडियन आईडी यूज़ करके अभी टूर्नामेंट्स खेल रहे थे लोकल उन सब की गेम ही लॉगिन नहीं हो रही वो आईडी ही नहीं खुल रही है यानी कि सिंपल भाषा में बताओ तो जितने ना अभी इंडियन आईडी से खेल रहे थे वो अब गेम ओपन नहीं कर पा रहे हैं इंडियन सर्वर में तो गाइस अगर ये सही में अगर ये चीज़ अगर कोई ग्लिच है अभी तो ठीक हो जाएगी बट अगर गरीना ने सही में अपडेट से कुछ ऐसा करके ये चीज़ को टोटली हटा दिया है तो गाइस ये बहुत ही बड़ा शौक होने वाला है और इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि गाइस किसी ने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी भाई गरीना क्या चाहते हो भाई एक तो तुमने सर्वर अलग कर दिया चलो ठीक अब बंदे जब अल्टरनेटिव ऑप्शन यूज़ करके लोकल टूर्नामेंट में ऑफिशियल टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा लोकल में तो खेलने दो भाई ऐसे में तो नेपाल में ई e स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएगा नेपाली प्लेयर्स बहुत ज़्यादा जो ई e स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उन वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे क्योंकि अभी नेपाल का जो ये जो नया सर्वर है उसमें ई e स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होने में या फिर अच्छे से बिल्ड होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात जो जितने भी मेन स्पॉन्सर्स हैं अभी बहुत कम ही लोग होंगे जिन लोग नेपाल में जाके ई स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे इसीलिए उनके लिए भाई जो डेली सेट है बेसिस प्रॉपर स्पोर्ट्स प्लेयर है उनको इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा भाई ये खेलेंगे कहाँ चलो भाई जितने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है वो अभी भी कुछ ना कुछ ऑप्शन निकाल लेंगे जैसे कि अभी जैसे बड़े बड़े ऑक्स है वो बूट कैम्प में बुला लेंगे इंडिया में वहां से ऐसे खेल लेंगे बट जो छोटी मोटी टीम्स हैं उनका क्या होगा भाई वो क्या करेंगे इसी चीज़ को शेयर करते हुए रोहित ने भी अभी एक चोरी लगाई है जिसमें उन्होंने लिखा इंडियन सर्वर में आई नहीं खुल रही है और मैंने भी ये बहुत सारे झंड से कन्फर्म किया उनकी भी इंडियन सर्वर में जो जो इंडियन आईडी से खेलते में थे मेरे भी एक दो दोस्त उनकी भी आईडी इंडियन सर्वर में नहीं खुल रही है इंडियन सर्वर वाली आईडी तो अगर इसमें आपका क्या ओपिनियन है आप क्या सोचते हो इसको कमेंट करके बताना तो बस गई इतना इतना आज के वीडियो में होप करता आपको काम मेरा पसंद आया होगा पसंद होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर इस स्पोर्ट्स रिलेटेट कॉन्टेंट बाई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो